नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 2 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, ये जल्दी से जान लेते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। जल्दी से शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। आज सूर्योदय होगा 6:03 पर, सूर्यास्त होगा 6:38 शाम पर। योग है सुकर्मा, वार बुधवार, नक्षत्र है आपका शत शिवा और तिथि है शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और चंद्र राशि है कुंभ। शुभ समय कोई नहीं है। राहु काल है 12:20 PM से लेकर 1:55 PM तक और वार होगा बुधवार। तो ध्यान रखते हुए आज काम करिए और सावधानी पूर्वक सभी काम करिए ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के विशेष की और आज के विशेष में हम फिर बात करेंगे कैसे आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। जो भी लोग शनि की 7.5 ढैया के प्रभाव में है, जो भी लोग शनि की 7.5 या ढैया की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, राहु केतु के अशुभ प्रभाव उनके जीवन में तबाही ला रहे हैं, साथ ही साथ काल को दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष या अन्य अशुभ दोष जो राहु केतु और शनि के द्वारा बनते हैं, वो आपको जीवन में कठिनाइयां दे रहे हैं। आपको नजर लग जाती है भूत प्रेत का साया, ऐसे लगता है कि आपके आसपास रहता है, दुश्मन अधिक हैं, शरीर से आप कमजोर हैं और खाया पिया लगता नहीं है। कुछ लोगों को मोटापा चढ़ रहा है, कुछ लोगों की सेहत डाउन हो रही है, हड्डियों में दर्द है, तकलीफ है, डर लगता है, एनर्जी नहीं है, उत्साह नहीं है, आलस है, निकम्मापन है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, बस बैठे बैठे खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, आराम करते रहें और इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसा करने का मन करता है। घर के बच्चे जवान हो गए, शादी नहीं हो रही है, नौकरी जिस लायक मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, खर्चे इतने हो रहे हैं कि जिसको संभालना मुश्किल है, पैसे उधार दे दिए वापस नहीं मिलते, अपने ही घर में खुद ऐसे रह रहे हैं मानो किराएदार हों या घर के लोग ही आपका सम्मान नहीं करते। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। किसी परीक्षा कंपटीशन की तैयारी बरसों से कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं या अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, या बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, या आपकी याददाश्त कमज़ोर है, भूल जा रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है जीवन में। या जिनको नीलम रत्न धारण करना चाहिए और पैसों की वजह से नीलम रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीलम रत्न महंगा आता है, ये सारी जिसको दिक्कतें हैं, नज़र दोष, जादू टोना, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, उनकी सेहत अच्छी रहने के लिए, ये जो सारी समस्याएं अगर आपके साथ या आपके किसी मित्र या परिवार वाले के साथ हैं तो इसका एक इलाज है, वो है लाजवर्द रत्न। इस रत्न को प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे L लिखकर संपर्क करना होगा। सिर्फ ये रत्न, चांदी में बड़ा हुआ लॉकेट, यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर आएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। जिन लोगों ने 7 मुख की रुद्राक्ष लिए हैं वो लोग भी इसको धारण कर सकते हैं, उसके 7 में धारण कर सकते हैं। हर प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और आज भी मेरी एक दो लोगों से बात हुई जिन्होंने 7 के रुद्राक्ष को पहनकर जो अनुभव किया, जो उनको लाभ हुआ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपको भी वो लाभ मिलेगा, आपके भी दिन बनेंगे। तो आप लोग, जो लोग 7 के रुद्राक्ष या लाजवर्द रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, L लिखकर व्हाट्सएप कर दें। यही मानिए आपकी ये छोटी सी सीख या आपकी छोटी सी समझदारी जीवन में आपको इतनी तरक्की देगी,
शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राशिफल की। तो बात करते हैं राशिफल की। आज आपको मौका मिलेगा किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने का। आपकी संतान जो है वो आपको खुशखबरी सुनाएगी, प्रसन्नता भरी खुशखबरी सुनाएगी। बच्चों की पढ़ाई शानदार रहेगी। आपके पास आगे बढ़ने के कुछ अवसर आएंगे। आप अपने परिवार के लोगों की सहायता से कुछ बढ़िया काम कर पाएंगे। आपके परिवार के लोगों की सेहत भी बढ़िया रहेगी। जीवन साथी के साथ लगाव होगा, प्यार मोहब्बत होगा। व्यापारी लोग नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने की कोशिश करें, कहीं पर बात बन सकती है। मेहनत का बढ़िया परिणाम आपको मिलने वाला है। पूरे परिवार के साथ घुल मिलकर आप रहने वाले महिला या पुरुष होंगे। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। कुंवारों के लिए नए आइडिए दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं और अनसुलझे सवालों को सुलझा सकते हैं। मुश्किल काम को आसान करके आगे बढ़ सकते हैं आप और आपकी राशि वाले सभी महिला पुरुष बच्चे। आपको अपने वर्तमान से, आपको अपने भूतकाल से, जो दिन बीत गए हैं उसमें जो आपने काम किया, जो एक्सपीरियंस कमाया, उससे सीखना होगा, चीज़ों का आंकलन करना होगा और उसके बाद अपने भविष्य के निर्माण की योजना बनानी होगी। कठोर परिश्रम में घबराना नहीं है, तेजी में आकर कोई फैसला लेना नहीं है। तो मिथुन राशि वाले यदि इस तरीके से अपना समय बिताते हैं आज का, तो बहुत शानदार रिजल्ट पाएंगे। अद्भुत समय है मिथुन राशि वालों के लिए। 2 तारीख भी शुभ रहेगी। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए। मंगल ही मंगल होगा। जीवन में अनेक कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए लाजवर्द रत्न का ऑर्डर करके आप जीवन में वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं जो सीढ़ी आपने सिर्फ ख्यालों में देखी हो। अब वो ख्याल वो सपने भी पूरे कर सकता है लाजवर्द रत्न आपके। तो मंगवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।